ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही गूढ़ रहस्य जो कि किसी भी स्त्री पुरुष को आपके अनुकूल कर सकता है। ये एक ऐसा यंत्र है जो कि आपके साथी को आपके अधीन कर सकता है। लगभग 2 साल पहले मैं कामाख्या गया था और वहाँ पर जो है मुझे भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री मिली और ये यंत्र भी मुझे वहीं से मिला। इस यंत्र में जो है आपकी कोई भी मनोकामना पूर्ण करने का पूरा सामर्थ्य है। यदि इस यंत्र को आप बना लेते हैं तो आपका जो भी मनोरथ होगा वो संपूर्ण हो सकता है। आप अपने साथी को अपने वशीभूत कर सकते हैं या फिर अपनी पसंद की कोई जॉब पा सकते हैं, किसी को सम्मोहित कर सकते हैं, किसी को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। बल्कि यूँ कहिए कि इस यंत्र से आप जो चाहे वो पा सकते हैं। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको यही मिलेगा या फिर ये सिर्फ इतना ही दे सकता है। जिस भी चीज़ की आप कल्पना कर सकते हैं वो सब कुछ इस यंत्र से आपको मिल सकता है। तो बिना देर करते हुए आगे जान लेते हैं कि इसको बनाना कैसे है और इसकी क्या क्या सावधानियां हैं और किस तरह से इसका निर्माण होगा। तो ये जो यंत्र है ये माँ कामाख्या का है। इस यंत्र को शुद्ध चित्त होकर बिल्कुल शांत स्वभाव के साथ सब कुछ भूलकर एकदम एकांतवासी होकर तब इसको बनाना है। अर्थात यदि आप गृहस्थ में हैं तो भी एक ऐसा कमरा बनाइएगा जहाँ पर कि आप इस साधना के दौरान अकेले रह सकें। इस साधना में आपको एकांत अति आवश्यक होगा, एकांतवासी बन जाइए। कोई ऐसा एक कमरा बना लीजिए जहाँ पर कि सिर्फ आप रहते हों और कोई दूसरा जो है वो ना आ पाए जब तक ये साधना पूर्ण ना हो जाए। कोई हवादार कमरा ढूंढिएगा जिसमें कि सूर्य की जो किरणें हैं वो आती हों और हवा भी ठीक ठाक आती हो। अब आपको क्या करना है कि शुद्ध गोरोचन जो है वो कहीं से अर्जित कर लेना है। याद रहे अगर गोरोचन शुद्ध नहीं है तो ये पूरी साधना विफल हो जाएगी, किसी काम के नहीं रहेगी। सबसे पहले आप जो है गोरोचन ढूंढें, कहीं से भी मिले शुद्ध गोरोचन लीजिए और उसके बाद इस यंत्र को आपको होली, दिवाली या फिर शिवरात्रि, कोई भी ऐसा शुभ मुहूर्त आए तो इसका निर्माण कर देना है। निर्माण के समय पर यंत्र में जो लिखा हुआ है उस जगह पर आपको अपना नाम लिखना है। सबसे ऊपर जो है आपका नाम आएगा जो भी साधना को कर रहा है। नाम लिखने के बाद आपको कार्य, किस कार्य के लिए आप ये बना रहे हैं। जैसे कि यदि किसी का सम्मोहन करना हो तो यहाँ पर आप लिख दीजिए जो भी इच्छित व्यक्ति है, इच्छित सम्मोहन, सिर्फ इतना लिखिए, या फिर इच्छित जो व्यक्ति है वो मेरे वश में हो जाए। छोटा सा लिखना है आपको, जो भी मतलब जिससे कि समझ में आ जाए कि किस लिए आप ये बना रहे हैं। और जब ये यंत्र पूरा हो जाए तो इसको बनाकर तांबे के ताबीज़ में भरकर अपने पास रखें। इसको यदि आप इस विधि से बनाकर अपने पास रखते हैं तो ये बहुत शीघ्रातिशीघ्र फलित हो जाएगा। इस यंत्र से सिर्फ सम्मोहन नहीं होता है, इससे इच्छाओं की पूर्ति होती है। यदि आपका सपना है एक बहुत बड़ी गाड़ी लेना, कोई मकान लेना, या आप चाहते हैं कि आपकी कोई बड़ी पोस्ट पर जॉब लग जाए, कोई सरकारी नौकरी आप करना चाहते हैं लेकिन अथक प्रयासों के बाद भी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो ये छोटा सा प्रयोग करके देखिएगा। आपकी जो इच्छित नौकरी होगी, इच्छित आपकी जो भी वस्तु होगी वो आँख मूंदते ही आपके सामने होगी। अनेकों लोगों पर प्रयोग करने के बाद ये जो गूढ़ रहस्य है ये आज मैं आपको बता रहा हूँ।
कोई नहीं बताएगा, चाहे लाखों रुपए खर्च कर दिएगा, लेकिन इन रहस्यों को जो है कोई साझा नहीं करना चाहेगा। और क्योंकि ये जो जितना भी ये कोर्स मटेरियल है, ये कहीं विलुप्त ना हो जाए, कहीं किसी किताब में छुपा ना रह जाए, कहीं कोई इस ज्ञान से वंचित ना रह जाए, इसलिए आपको ये सब बताया जा रहा है। यदि आप इसको ठीक उसी प्रकार कर लेते हैं जिस प्रकार आप बताया गया है, तो ये आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। तो जो भी साधक जो हैं चाहते हैं कि इसको अपने जीवन में लाना, शुद्ध चित्त हो जाइए, बिल्कुल अपने विचारों पर ध्यान दीजिएगा कि वो बिल्कुल सौम्य हो, किसी भी प्रकार का जो है द्वेष ना हो, किसी से कोई झगड़े की भावना ना हो, और फिर जो है आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल मतलब किसी दूसरे से आपको कोई लेना देना ही नहीं है। उसके बाद एकाग्रचित होकर एक ऐसे स्थान पर बैठिए जहाँ पर कि आपका जो मुखमंडल है वो सूर्य की तरफ हो, और शुद्ध गोरोचन से इस यंत्र का निर्माण कीजिएगा। यंत्र निर्माण के समय जो भी आपकी इच्छाएं हो, चाहे वो जॉब हो या फिर किसी को सम्मोहित करना हो, तो उस समय पर चाहे बाहर आग लगी हो, लेकिन आपको जब तक ये यंत्र निर्माण संपूर्ण ना हो जाए, जब तक ये पूरी तरह से ये जो डायग्राम है मिस्टिकल डायग्राम, ये जब तक बन ना जाए, तब तक आपको वहाँ से उठना नहीं है। जब यंत्र निर्माण पूरा हो जाए तो बिना पीछे मुड़े आप बस सीधे अपने घर की ओर आ जाइए, और जो कमरा आपने अपनी साधना के लिए तैयार किया था वहाँ पर आ जाएं। अब आपको क्या करना है कि 21 दिनों तक आपको उस ताबीज़ पर इस मंत्र को अभिमंत्रित करना है। ओम ह्रीम क्लीम कामक्षाये नमः, इस मंत्र का गुम्फन आपको करना है 108 की संख्या में। 108 की संख्या में आपको प्रतिदिन उस तांबे के ताबीज़ पर इस मंत्र को अभिमंत्रित करना है, और जब तक आपकी जो भी इच्छित वस्तु थी, जो भी आपकी मनोकामना थी, जब तक आपको वो मिल ना जाए, तब तक आपको इस मंत्र को उस ताबीज़ पर बोलते रहना है। और वो ताबीज़ जो है, या तो आप उसे पहन लीजिए या उसे अपने पास रखिए। प्रतिदिन जब सूर्य जो है उगने वाला हो, उसकी लालिमा जब आ गई आने वाली हो, सूर्य के निकलने से पहले जो वातावरण होता है, जब सूर्य की लालिमा चारों तरफ फैल रही होती है, उस समय पर आपको इस मंत्र का 108 की संख्या में जाप करना है। और जब दिन ढलने वाला हो लेकिन ढला ना हो, जैसे सूरज ढल गया हो लेकिन उसकी लालिमा अभी भी बची हो, उस समय पर आपको इस मंत्र का 108 की संख्या में जाप करना है। सुबह शाम इस समय पर आपको इस मंत्र का उस ताबीज़ पर जाप करना है, और आखिर में जो भी आपकी कामना है वो बोलना है। इसके बाद आप पाएंगे कि एक हफ्ते के भीतर भीतर कुछ ऐसे सुअवसर आएंगे कि आपकी जो भी इच्छित वस्तु थी वो आपके पास आ जाएगी। कुछ भी ऐसा घटित होगा जो कि अकल्पनीय होगा, आप उस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे कि ऐसा भी होता है। कुछ भी करके एक ऐसा संयोग बनेगा कि जो भी आपको चाहिए था वो आपके दरवाजे पे खड़ा होगा। और ये लाखों लोगों पर आजमाने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार इसको कीजिए और आपको किस तरह के इसमें जो है परिणाम मिले हैं, और कितना शीघ्र अतिशीघ्र इस प्रयोग ने आपके काम बनाए हैं, मुझे कमेंट्स कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा 9999841625 पर। यदि कोई दिक्कत आए तो कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।